हेलो हैव राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जिस बाइक को रिव्यू करने वाले हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड बाइक अपने 125 सीसी सेगमेंट में। सो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हमारी होंडा एसपी 125 को। इस बाइक को भाई जब से मैंने सबसे पहली बार चलाया था तब से ही काफी इसने एक मेरे ऊपर गुड इंप्रेशन छोड़ा था, और वो जो एक अच्छा इंप्रेशन है उसकी एक झलक मैं आज तुम सबको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा आसू होंडा को जिन्होंने मुझे ये बाइक दी है। इनकी जो शोरूम की डिटेल्स है वो सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की। सो इसमें हमें 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि अभी OBD2 कंप्लेंट के साथ आता है, और इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी E20 बैजिंग के साथ आता है। इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 10.72 BHP 7,500 RPM पे और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमारा 6,000 RPM के ऊपर। तो जो बाइक का टॉर्क है वो यहाँ पर हॉर्स पावर से थोड़ा सा ज्यादा है, तो बाइक आपको कहीं भी लैग नहीं होगी ट्रैफिक हो या आपका नॉर्मल यूसेज हो। बाइक का जो फ्यूल टैंक है हमें यहाँ पर 11.2 लीटर का देखने के लिए मिलता है, और बाइक का जो टोटल वेट है वो है हमारा 116 kg। बाइक का वेट इसके सेगमेंट में सबसे कम है। टीवीएस रेडर 125 हो, हमारी हीरो ग्लैमर हो, हीरो सुपर स्प्लेंडर हो, तो सारी 125 सीसी की बाइक से या हमारी हीरो एक्सट्रीम 125R जो भी आ रही है उन सबसे इसका जो वेट है वो काफी कम है। तो बाइक को मनोवर करने में, ट्रैफिक में चलाने में तो बाइक काफी आसान रहेगी, बट हो सकता है कि अगर तुम हाईवेज पे जा रहे हो और तुम्हारे साइड से ट्रक वगैरह थोड़ा हैवी व्हीकल अगर निकलता है तो थोड़ी सी लैगिंग आई थिंक हो सकती है, पक्का मैं कह नहीं सकता, अभी ये तो चलाने के बाद ही बाइक को पता चलेगा। इसके अलावा बाइक पे हमें यहाँ पे फेयरिंग मिल जाती है जो कि बाइक के लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर देती है। इसके अलावा बाइक की अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूं तो बाइक में कुछ नयापन करने की कोशिश नहीं की गई है, ये बस यहाँ पे फेयरिंग ऐड कर दी गई है। बाइक में फीचर्स हैं, काफी ज्यादा फीचर्स हैं, बट लेकिन बाइक का जो एक लुक है वो थोड़ा कंजर्वेटिव लुक रखा गया है। जैसे अभी तुम देखो टीवीएस रेडर 125 आई है तो उसका काफी ज्यादा लुक है, बट वही यार होंडा का जो इंजन है भाई बात है सबसे ज्यादा उसकी, सबसे ज्यादा रिफाइंड इंजन और सबसे लंबा लॉन्ग टर्म चलने वाले इंजन रहते हैं होंडा के। बाइक के दो वेरियंट अवेलेबल है, एक डिस्क वेरियंट अवेलेबल है और एक हमारा ड्रम वेरियंट अवेलेबल है। ये हमारा ड्रम वेरियंट है। ड्रम में और डिस्क में फर्क इतना है कि उसमें हमें फ्रंट में डिस्क देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे हमें जो हमारा ड्रम देखने के लिए मिलता है। बाइक में हमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो कि अगर तुम फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हो या तुम पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो तो तुम्हारे दोनों ब्रेक एक तरीके से अप्लाई होने वाले हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कम रखी गई है जो ड्रम वेरियंट है। बाइक का जो ड्रम वेरियंट है वो हमारा 1,03,000 में आपको मिल जाएगा, और जो बाइक का हमारा डिस्क वेरियंट है वो हमें मिलेगा 1,08,000 में, तो कुल 5,000 का यहाँ पे डिफरेंस है। होंडा एसपी 125 परचेज करते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें डिस्क वेरियंट खरीदना चाहिए यार, 5,000 रुपए की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बट ये एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर हो जाता है अगर तुम्हें बाइक में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। तो बाइक की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो बाइक में देखो यहाँ पे फ्रंट में हमें LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलता है, और जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो हमारे बल्ब इंडिकेटर्स हैं, इन्हें होंडा यहाँ पे LED रख सकता था। बाइक की मिरर्स जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है और काफी इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मजबूत है। फिट एंड फिनिश यार अगर देखा जाए होंडा का काफी बढ़िया है, बट थोड़ा प्लास्टिक ही है आजकल, जैसे हर बाइक की प्लास्टिक को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। इससे क्या होता है बाइक का जो वेट है उसे कम रखने में काफी ज्यादा कंपनीज को हेल्प मिलती है। बाइक का जो फ्रंट टायर है वो हमें यहाँ पे 8100 का है, और बाइक के फ्रंट में एज वेल एज हमारे रियर में दोनों ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलते हैं। बाइक का जो रियर टायर है वो भी 18 inch व्हील है, फ्रंट भी 18 inch व्हील है। बाइक का जो रियर टायर है वो हमें यहाँ पर 180 का देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे हमें दिया गया है मफलर के ऊपर एक स्टील का बहुत ही अच्छा सा फ्रेम। तो यहाँ पे जो बाइक की सीट हाइट है वो है 790 mm, और तुम देख सकते हो मेरे जो पैर हैं वो काफी इजीली टिक पा रहे हैं। मेरी हाइट है 5 feet 8 inch और बाइक की जो सीट हाइट है वो है 790 mm, ये मेरे तुम पैर देख सकते हो बहुत ही आसानी से टिक रहे हैं। बाइक में हमें यहाँ पे दिया गया है साइड सेंट कटआउट सेंसर। बाइक में हमें साइलेंट स्टार्ट देखने के लिए मिलता है, ये देखो तुम, पता भी नहीं चला और बाइक स्टार्ट हो गई। इसके अलावा बाइक में हमें यहाँ पे काफी मजबूत से ग्रैब रेस दिए गए हैं। बाइक की जो टेल लैंप है वो हमारी बल्ब है, बाइक के इंडिकेटर्स चारों बल्ब है। बाइक की टिल टाइडी देखो तुम यार, एक तरीके से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ठीक ठाक प्लास्टिक इसमें यूज करी गई है, और इसमें जो एक सबसे बढ़िया बात है वो हमारी नंबर प्लेट यहाँ लगेगी, और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे हमें लाइट दी गई है। बाइक के फ्रंट में हमें दिए गए हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एज यू कैन सी, और बाइक के जो रियर सस्पेंशन है वो हमारे सेम डुअल शॉक एब्जॉर्बर हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं, जैसा कि मोस्टली 125 सीसी बाइक्स में रहते हैं वैसे ही इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं। अभी हम बाइक को राइड करके देखेंगे कि बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। सो गाइस अब चलते हैं फटाफट और करते हैं इस बाइक को राइड, और देखते हैं बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो कैसी है। बाइक यार बड़ी साइलेंट स्टार्ट है, ऐसे स्टार्ट होती है बाइक को पता ही नहीं लगता। सो नाउ लेट्स गो सेकंड गियर। बाइक का इंजन रिफाइनमेंट काफी कमाल का है भाई, जरा सी भी वाइब्रेशन नहीं है बाइक में। वैसे तो अभी हम बहुत ही लो स्पीड पे हैं। बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही शानदार तरीके से विजिबल हो रही है, और बाइक के मिरर सेट कर लेते हैं और सेफ्टी रीजंस, और देखेंगे बाइक के जो मिरर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और बहुत ही शानदार व्यू है, थोड़ी थोड़ी मेरी एल्बो दिख रही है मिरर में, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है आँखों के लिए। ओके बाइक की ब्रेकिंग
बाइक में यहाँ ड्रम ब्रेक्स हैं तो मुझे थोड़ा मतलब सावधान होकर बाइक को चलाना पड़ेगा। बाइक का पिकअप बहुत सही है भाई। बाइक में हमें मिलता है 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स जो कि काफ़ी स्मूथ गियरिंग है बाइक की। जो SP160 है उसके कंपैरिजन में इसकी जो गियर्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं। 1 down 4 up ऐसे हमें इसकी गियरिंग देखने के लिए मिलती है। सेकेंड गियर, बाइक की मनोवरिंग देखते हैं कैसी है, ओवरटेकिंग देखते हैं कैसी है। ओ माय गॉड, सही है भाई। 125cc के हिसाब से बाइक की जो मनोवरिंग है वो काफ़ी शानदार है, ज़्यादा लीन होगी भी नहीं। ओके, बाइक का हॉर्न ठीक ठाक लाउड है, हेलमेट में भी काफ़ी शार्प आवाज़ मुझे आ रही है। बाइक के जो भाई सस्पेंशन है वो थोड़े स्टिफर साइड पे हैं, उतने सॉफ्ट सस्पेंशन बाइक में मुझे फील नहीं हो रहे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। थोड़े बम्प्स बाइक दे रही है, इन्हें काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर रही। जो SP160 है उसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्टर हैं, इससे तो वो सॉफ्टर लगे मुझे, बट इसके जो सस्पेंशन है वो TVS रेडर से तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा बाइक के जो फुटपैक्स हैं, बाइक की जो सिटिंग पोजिशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरे दोनों हाथ स्ट्रेट हैं, थोड़ी मेरी एल्बो मुड़ी हुई है, यहाँ तुम देख सकते हो थोड़ी थोड़ी मेरी एल्बो मुड़ी हुई है। इसके अलावा थोड़ी एल्बो मुड़ना काफ़ी बढ़िया भी होता है, क्योंकि अगर तुम मान लो ब्रेकिंग करते हो या तुम थोड़ा बम्प्स के ऊपर बाइक को राइड करते हो तो ऐसी जगहों पे जो एल्बो है तुम्हारी वो काफ़ी बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे देखो तुम भाई, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया टर्न थे ये 2-3। तो यहाँ पे बाइक की जो सिटिंग पोजीशन है भाई वो बहुत कंफर्टेबल है, एकदम मेरा स्ट्रेट इंस्टांस है, मैं एकदम सीधा बैठा हुआ हूँ। इस बाइक को तुम इजीली लॉन्ग राइड्स पे ले जा सकते हो, अराउंड 50-60 किलोमीटर सिंगल स्ट्रेच में ये बाइक कम्प्लीट कर देगी। थोड़ा थोड़ा सा मेरी मतलब मुझे थोड़ा सा बैक में हल्का सा पेन महसूस हो रहा है। आई थिंक मैं काफ़ी टाइम से बाइक चला रहा था, इससे पहले भी हो सकता है वो उसकी वजह से हो। बाइक का स्पीडोमीटर अभी काम नहीं कर रहा तो वो सारी, क्योंकि अभी नई बाइक है तो इस वजह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइक कितना स्टेबल रहती है। अभी 5th gear में हम और फुल स्ट्रेच करते हैं बाइक को। बाइक अराउंड 100 से ऊपर चल रही होगी, अभी 105 के आसपास बाइक की टॉप स्पीड होगी, विच आई थिंक ज़्यादा ही होगी। बल्कि बाइक का स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा, बट बाइक की जो टॉप स्पीड होगी वो अराउंड 100-105 के आसपास बाइक की टॉप स्पीड होगी। यहाँ से अब हम लोग लेंगे टर्न, और बाइक की टर्निंग रेडियस काफ़ी मस्त है, देखना कितनी ईजिली बाइक हमारी घूम गई है, पता ही नहीं लगा। ये यार एकदम ट्रैफिक वाली बाइक है, अगर तुम्हारी जो राइड है वो मोस्टली ट्रैफिक में होती है और तुम काफ़ी सिटीज़ में बाइक को चलाते हो, सो दिस बाइक इज़ फॉर यू। अभी देखते हैं 5th gear में बाइक कितने लो तक आ सकती है और कितने लो पे आने के बाद जो है वो जर्क देना स्टार्ट करेगी। अभी हम 30 के आसपास होंगे, अभी और थोड़ा स्लो आते हैं। ये देखो तुम भाई, भाई साहब जर्क नहीं है भाई, 5th gear में जर्क नहीं है, देखना। ओ भाई गॉड, भाई खुद से पिकअप कर रही है बाइक 5th gear में खुद को। ओ तेरी, देखते हैं यहाँ से उठती है क्या। ओ भाई ये क्या था, थोड़े थोड़े जर्क, हल्का सा नहीं, जर्क नहीं है, बिल्कुल जर्क नहीं है। ओ माय गॉड, ओ भगवान, ये क्या है भाई भाई 5th gear से बाइक ने खुद को पिकअप कर लिया, ये तो भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी भी बाइक में। भाई टैंक पे तो जरा सी वाइब्रेशन नहीं है, टॉप स्पीड पे भी बाइक की। अभी थोड़ा ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे इस बाइक का और देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करती है। मतलब यहाँ पे तो मेन जो टेस्ट है वो इसके सस्पेंशन का है, यहाँ पे पूरी कच्ची रोड है, यहाँ पे देखते हैं बाइक के जो सस्पेंशन है वो कितना मस्त परफॉर्म करते हैं। ओ भाई बढ़िया 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 भाई मस्त, देखता हूँ बाइक पे सैडल कर सकते हैं क्या। भाई बाइक पे सैडल भी कर सकते हो तुम, देखना मैं खड़ा हो गया हूँ बाइक पे भाई साहब क्या बाइक है यार, मतलब मस्त जन्नत है भाई, ये तो बहुत ही सेक्सी बाइक है भाई। बाइक का जो लुक है ना वो तो थोड़ा मैं कह सकता हूँ नॉर्मल है, बट इसके अलावा बाइक भाई जहर है बिल्कुल। 125cc में मैं तो कह रहा हूँ किलर है ये बाइक। SP पे तुम सैडल नहीं कर सकते, इस पे तुम देखना कितनी इजीली मैं खड़ा हो रहा हूँ,
और ये देखो तुम, हाँ उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही क्योंकि यार ये एक एडवेंचर बाइक नहीं है, दैट्स वाई ये उतना कॉन्फिडेंस नहीं देगी। ये देखते हैं यहाँ पे बाइक कैसे घूमती है। ओके, और बाइक यार आगे पीछे करने में बड़ी आसान है, मतलब बहुत इजीली बाइक को तुम आगे कर सकते हो, बहुत इजीली तुम बाइक को पीछे कर सकते हो। ये देखो काफ़ी रेत में मैं बाइक को चला रहा हूँ और बाइक बिल्कुल नहीं फिसल रही, मतलब थोड़ा कम कॉन्फिडेंस दे रही है क्योंकि रेत में तो यार कोई भी बाइक हो भाई वो थोड़ा फिसलती है, बट इट्स अ गुड बाइक। और बाइक के सस्पेंशन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक ठाक स्पीड पे तुम ऐसी रोड्स पे बाइक को चला सकते हो। अब हम बात करते हैं बाइक के क्लच की। बाइक का जो क्लच है भाई वो काफ़ी लाइट है, ये देखो तुम, बहुत ही लाइट क्लच है यार बाइक का, मतलब तुम्हारे हाथ में पेन नहीं होगा। वैसे तो यार तुम्हें क्लच यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बाइक को टॉप गियर में लगाओ और चलाते रहो बाइक को, ये तुम टॉप गियर में बाइक को डाल लो और एक हाथ टैंक पे रख के बैठ जाओ इजीली। मैंने अभी तुम्हें दिखाया बाइक हमारी 5 की स्पीड से भाई एकदम टॉप तक केवल 5th गियर में ही जा सकती है, तो तुम्हें गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्लच का तुम करोगे क्या? तो ये एक तो एक तरीके से ये तुम कह लोगे ऑटोमेटिक बाइक है जिसमें क्लच की नीड ही नहीं है। सो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है भाई बाइक की अगर क्लच वाइज देखें और रेस वाइज देखें, सो वेरी गुड परफॉर्मेंस।